हेलो, वेलकम टू ज्ञानम अबोहर मनेंद्र पुनिया क्लासेस। जैसे ही आपको पता है कि हम सेवन क्वेश्चन सीरीज हम हर रोज़ आपके लिए लेके आते हैं, तो आज भी हम सेवन क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेकर आई हैं। तो वीडियो अगर आपको लग रही है कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि आपने जब क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो आपके पास नोटबुक और पेन होना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को देख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप उस क्वेश्चन में कहीं रुकते हो या फंसते हो तब आपने हमारा सलूशन देखना है, अदरवाइज आपने खुद से प्रयास करना है, ठीक है। तो बढ़ते पहले क्वेश्चन पे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा रेशो का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लगभग मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले रखे हैं, ठीक है। और लेवल के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, आपको करके भी बढ़िया लगेगा। कह रहे कि अ सम ऑफ रुपीज़ एक्स वाज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी, मतलब कोई एक्स आपके पास है, कोई अमाउंट है, उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है और जो डिवाइड किया जा रहा है वो रेशियो में दे रखा है, और रेशियो भी कैसी, फ्रैक्शन में। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे भी देखो, जैसे मैं कहूँ कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, भाई एक बटा तीन रेशियो एक बटे पाँच रेशियो एक बटे छः रेशियो एक बटे नौ। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का तरीका आपको पता होगा कि इसका एलसीएम लेना होता है, किसका, डिनोमिनेटर का। तो जो आप तीन पाँच छः नौ का एलसीएम लोगे कितना आएगा, नब्बे। तो नब्बे से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, नब्बे से गुणा, सारों को कर देंगे नब्बे से गुणा, ठीक है। अभी तो ये आ जाएगा कितना, अभी तीस पे कट जाएगा, ये कितने पे कट जाएगा, अठारह पाँच नब्बे, ये कितने पे कट जाएगा, अभी छः इंटू नब्बे को छः से भाग करो कितने पे, पंद्रह पे, और ये कितने पे कट जाएगा, अभी दस पे। तो ये हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसमें क्या क्या रखा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी इज़ 832, तो ये ए का शेयर है, ये बी का, ये सी का, ये डी का, तो बी और डी के शेयर का डिफरेंस कितना है, 8, और क्वेश्चन में कितना देखा है, 832, मतलब कि 8 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भी, 832 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 104 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 104। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो भाई x जो है, जो x है वो इन को तो डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप इनको जोड़ दोगे तो x की वैल्यू आएगी, तो जब आप इसका सम करोगे तो इनका सम आ जाएगा 73। तो मतलब एक्चुअल में जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 73 है, कितनी है अभी, 73। तो एक यूनिट की वैल्यू 104 है, तो 73 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणा कर दो भी 73 इंटू 104। तो यहाँ पे जब ऑप्शन पे जाओगे तो सारों का इकाई अंक डिफरेंट है, तो सिर्फ यहाँ से सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ आप इकाई अंक को ही गुणा करोगे, चार तीय 12, तो मतलब आखिरी में दो आएगा, चार तीय 12, यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक है वो दो होगा, तो ए ही ऑप्शन में इकाई अंक दो है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7592। कितना आ जाएगा, 7592। तो उम्मीद करता हूँ कि रेशो का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस। अब आपको पता होगा क्या, आपको पता होगा कि जब हम किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, जैसे मैं को एक नंबर है ए, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3, और एक नंबर बी है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। मैं कहूँ इसमें आपने एलसीएम निकालना है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं तब हम सारे नंबर्स लेते हैं जो क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो जो भी मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं उन सारों को ले लेंगे, और जो पावर है वो हाईएस्ट पावर लेनी होती है एलसीएम में, तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 कितना होता है अभी, 81, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। जब आप इसको गुणा करोगे तो आपको क्या आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो सेम यही क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो संख्या है, एक है अभी 1728 और दूसरी संख्या है k, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है अभी, 5184 है। तो अभी हम इनको फैक्टराइज करेंगे, देखो क्या करेंगे फैक्टराइज, तो सबसे पहले हम 1728 को फैक्टराइज कर ले फटाफट, तो 2 पे चलाया 2 8 16, 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 पे चलाया 2 6 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16, फिर 2 पे चलाया अभी 2 5 10, 2 6 8, फिर 2 पे चलाया 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 पे चलाया 9, फिर 3 पे चलाया 3, फिर 3 पे चलाया 1। तो मतलब कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी है 6, ठीक है अभी, गुणा 3 की पावर कितनी है, 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी है अभी 3। तो मतलब कि 1728 के अंदर क्या है, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 5184 है, इसमें क्या है, 5184, तो 2 की पावर 2 2 4, 2 5 10, 2 ने 18,
और दो दुनी चार, फिर दो पिछले है, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो ने 18 और दो छके 12, फिर दो पिछले आएंगे, दो छके 12, दो चुके 8, दो अठे 16, उसके बाद फिर दो पिछले आएंगे, दो तीके 6, दो दुनी 4, दो चुके 8, फिर दो पिछले आएंगे, दो एकम दो, दो छके 12, दो दुनी 4, फिर दो पिछले आएंगे, दो अठ 16, दो एकम दो, फिर तीन पिछले आएंगे, कितना आएगा भाई 27, फिर तीन पिछले आएंगे, कितना आएगा भाई 9, फिर तीन पिछले आएंगे, कितना 3, फिर तीन पिछले आएंगे 1, इस तरह से। तो एक 5 इक्वाम में 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 गुणा 3 कितनी अभी 1 2 3 4, 3 की पावर 4, ठीक है अभी। तो ये है, तो मतलब कि इन दो नंबर में, इन दो नंबर का एलसीएम कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है 6, और वही 2 की पावर 6 यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो जो 2 की पावर 6 है वही 2 की पावर 6 यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम में हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। क्या लेना होता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो अगर यहाँ 2 की पावर 6 है तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 की पावर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो यहाँ पे 2 की पावर 7 आ गई, तो फिर एलसीएम में 2 की पावर 7 आ जानी है, बात हो रही है ना, क्लियर है। तो मतलब के की वैल्यू में मैक्सिमम 2 की पावर 6 होगी, मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है वो देखो, तो के की वैल्यू मैक्सिमम 2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एलसीएम के अंदर मैक्सिमम 2 की पावर 6 आ रही है, ठीक है अभी। उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ 3 की पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू में 3 की पावर 4 होगी, तभी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 4 आई होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो 3 की पावर 4 आ नहीं रही है, इसका मतलब के की वैल्यू में 3 की पावर 4 होगी। तो मतलब यहाँ पे 3 की पावर 4 होगी, इसको हम फिक्स कर देंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, ठीक है अभी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो कॉमन है वो तो लेने लेना होता है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है। यहाँ 2 की पावर 6 है तो के की मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर 6 तक होगी, 2 की पावर 7 नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 3 की पावर 3 है, अगर यहाँ पर 3 की पावर 2 आ गई के की वैल्यू में, मान के चलो यहाँ 3 की पावर 2 आ गई, ठीक है, 3 की पावर 2 आ गई। अगर कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर यहाँ पे 3 की पावर 4 को ही फिक्स क्यों किया है, मान के चलो यहाँ पे 3 की पावर 2 हो गई, तो फिर एलसीएम में तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, चाहिए क्या 3 की पावर 4, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, अगर ऐसे कर लें, अगर यहाँ पे 3 की पावर 3 ले लेते तो 3 की पावर 3 यहाँ पे है, 3 की पावर 3 यहाँ पे है, तो फिर तो एलसीएम में 3 की पावर 3 आ जानी थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू में ना 3 की पावर 1 होगी 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर होगी, यहाँ पे 3 की पावर 4 आ नहीं रही है, तो एक ऑप्शन होगा सिर्फ, के की वैल्यू होगी 3 की पावर 4, ठीक है अभी। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि 3 की पावर 4 ही क्यों होगी, और के की वैल्यू तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 6 तक कुछ भी हो सकती है। तो मतलब कि 2 की पावर कितनी हो सकती है अभी, कितनी वैल्यू पॉसिबल है 2 के, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 वैल्यू पॉसिबल है 2 की, और 3 की पावर 4 की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ 1 वैल्यू पॉसिबल है, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7। तो मतलब के की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 7 है, तो आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 7। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है अभी। ये देखो अभी थर्ड क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो आप, ठीक है, एक मिनट लो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करो। देखो भाई स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अ पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजप्शन ऑफ सुगर बाय 42.84% बिकॉज द प्राइस ऑफ सुगर रिड्यूस्ड बाय एक्स परसेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कॉन्स्टेंट है, और जिस कंडीशन में आपका एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट रेशियो में आपका कंजप्शन बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंजप्शन की, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कंजप्शन इंक्रीज हो गया, अब पर्सन इंक्रीज हिज कंजप्शन ऑफ सुगर बाय 42.84%। अगर आपको परसेंटेज की हल्की से भी नॉलेज है तो अगर मैं बताऊँ तो 14.28% की जो बिन होती है वो 1/7 होती है, ठीक है भाई, अगर आपको हल्की सी परसेंटेज की नॉलेज है तो ये इसका 3 गुना है, 14 42 और 28 84, मतलब इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है,
कितना भी 42.84%, तो इसका भी तीन गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई 3/7। ठीक है अभी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंजप्शन, क्या लिखता हूँ कंजप्शन। ठीक है भी, कंजप्शन, तो कंजप्शन क्या होगा भी, इतना परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसका इतना परसेंट कितना होता है भी 3, मतलब 3 की वृद्धि होगी। मतलब मान लो पहले कंजप्शन 7 था, तब 3 की वृद्धि होगी, कितना हो गया भी 10। और आपका एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, तो उस कंडीशन में आपका प्राइस जो होगा वो इसका रिवर्स होगा। प्राइस क्या होगा, रिवर्स। तो अगर कंजप्शन बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। ये लिखा हुआ ना कि प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाई एक्स परसेंट, आपका प्राइस एक्स परसेंट रिड्यूस हो रहा है, तो 10 से कितना हो गया भी 7। तो मुझे बताओ कि कितना रिड्यूस हो गया, तो आपको 3 रिड्यूस हो गया। तो 3 रिड्यूस किस पे, 10 पे। 3 रिड्यूस किस पे, इनिशियल पे होता है, तो 3/10 गुणा 100। तो कैंसिल होकर 3 × 10 0 कट गया, 3 × 10 कितना हो गया 30%। तो मतलब कि आपका जो प्राइस है वो 30% रिड्यूस हो गया। कितना हो गया भाई, 30% रिड्यूस हो गया, 30% आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, सेलिंग अ टेबल फॉर 3 रुपीज़ 350 इंस्टेड ऑफ 400 लॉस परसेंट इंक्रीज बाई 5%। वो कह रहा है क्या कि एक मेज की कीमत 400 की बजाय 350 बीच बेचा जावे, तो आपका जो नुकसान, जो लॉस परसेंट है, वो 5% बढ़ जाता है। ठीक है भाई, मतलब कि क्या कह रहा है कि अगर आपकी चीज़ को 400 से 350 में बेची जाती है, तो कितने का लॉस कमा रहे हो आप, 50 का। और 50 किसके बराबर है, 5%, क्योंकि आपका लॉस 5% बढ़ जाता है, तो 5% यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 50 को। ठीक है भाई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो 50 को 5 से भाग करोगे तो 10 आ जाएगी। और पूछा क्या है आपसे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, 100%। तो 10 × 100 कितना हो गया भाई, 1000। मतलब उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 1000 रुपये थी। कितनी थी भाई, 1000 रुपये। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट हम रिजल्ट इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है अभी देखो, इसका डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बाकी हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पूरा डिटेल में बता रहे होते हैं। ठीक है, पर इसको हम डिटेल डायरेक्ट रिजल्ट से याद करेंगे। रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसका रिजल्ट होता है अभी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, अभी अगर मैं कहूँ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता है, तो आप हो गए भी क्या होता है अभी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 2 × ab का होल स्क्वेयर। ठीक है भाई, ये एक रिजल्ट होता है जो हम डायरेक्ट याद रखेंगे पेपर में, और काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन देखो भाई कैसे करेंगे, अगर हमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालनी है, तो हमें उससे पहले ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का पता होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये बताओ भी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ए प्लस बी हमें गिवन है कितना, 11, तो 11 का स्क्वेयर 121 माइनस 2ab, तो ab कितना है अभी, 35, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 70। और जब आप इसके माइनस करोगे तो 1 में 0 गया 1, और 12 में 7 गया 5, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना आ गया अभी, तो आप कहोगे 51 आ गया। कितना आ गया, 51 आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ठीक है अभी, तो इसको कैसे करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो कितना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 51, और 51 का होल स्क्वेयर, तो 51 का स्क्वेयर होता है 2601। ठीक है अभी, माइनस ए बी का होल स्क्वेयर इंटू में 2, तो ए बी कितना है, 35 का स्क्वेयर कितना होता है, 35 का स्क्वेयर 12 25, 35 का स्क्वेयर। देखो भी एक ट्रिक होती है 35 के स्क्वेयर की, क्या कि 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 × 12, और 5 का स्क्वेयर लिख दो कितना, 25, तो कितना हो गया 1225। और इसका 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2450। कितना आ जाएगा भाई, 2450, तो माइनस करना है 2450, तो जब इसका माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 151। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 151। तो काफ़ी, अगर आपको रिजल्ट याद है ना, अगर रिजल्ट याद है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड का था। ठीक है ना, अगर आपको पेपर में रिजल्ट याद नहीं होगा तो ये बनाओगे, इसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने ये रिजल्ट याद रखना है, और पेपर में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC CGL का। ठीक है, अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अ मैन सोल्ड 150 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 चेयर्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आदमी है वो 150 चेयर बेच रहा है, 150 चेयर बेच रहा है, तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो 25 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे अभी इसको लेट करके मानेंगे, क्या कि एक चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है, वन चेयर की
सॉरी वन चेयर की जो सेलिंग प्राइस है वो ₹1 है, ₹1 है, ठीक है। ये कोई मायने नहीं रखता, एक आप 10 मानो, 20 मानो, 50 मानो, 100 मानो, सारों से आंसर निकल के आएगा। तो मैंने इसको एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹1 ही मान लिया, ठीक है। आप इसको 100 भी मानोगे तो भी आंसर आएगा। तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस एक है, तो 125 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा अभी? 125 चेयर का सेलिंग प्राइस, तो एक चेयर का एक है तो 125 का कितना होगा अभी? ₹125 होगा। दो मिनट भाई, 125 चेयर है ना, 150 चेयर है, कितनी चेयर है अभी? 150 चेयर है। तो 150 चेयर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा अभी? 150 सेलिंग चेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक चेयर का ₹1 है तो 150 चेयर का कितना होगा अभी? ₹150। तो 150 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150। तो जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? वो है अभी 25 चेयर्स के बराबर। कितने भाई? 25 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस ₹1 तो 25 चेयर का कितना होगा अभी? ₹25। और ₹25 क्या है? प्रॉफिट है। ₹25 क्या है? प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे अभी। कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 150 माइनस प्रॉफिट कितना है? 25। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अभी? 125। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 125, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है अभी। तो प्रॉफिट कितना का है? 25 का। कॉस्ट प्राइस कितनी आई है? 125 और गुणा में 100। तो आप बताए 25 एकम 25, 25 पंजे 125, और 1/5 कितना होता है? 20%। कितना होता है अभी? 20%। तो आपका जो आंसर है वो 20% आ गया। कितना आ गया? 20%, ठीक है अभी। ऑप्शन मिस्टेक है अभी, ठीक है ना, ये किसी और क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो एक मान लो इसको 15% कर दो, एक को 20% कर दो, एक को 16 से 2/3% कर दो, और एक को कितना कर दो? 25% कर दो, ठीक है। तो आपका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना? 20%, ठीक है ना। ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के लिख दी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो कितना होगा? 20% होगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारी आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो कह रहे हैं 11 संख्याओं का औसत 32 है, जेकर पिछली 6 संख्याओं का औसत 26 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 36 है, तो फिर मूल की है 6वें नंबर का, मतलब 6वीं संख्या आपने फाइंड करनी है। तो इसको कोशिश करो करने की, किस तरह से करेंगे, ठीक है। देखो भी क्या कह रहा है कि 11 संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 11 संख्याओं की औसत कितनी दे रखी है आपको? 32 दे रखी है, ठीक है ना। मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको, ठीक है ना, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से करना है आपने, ठीक है, जो आपको सही लगे। दो तरीके से कराऊंगा, जैसे कह रहा है कि पहली 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो पहली 6 संख्याएं जो है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो पहली 6 संख्याएं हैं, पहली 6 संख्याएं जो है उनके औसत कितनी है अभी? 26 है। आखिरी की 6 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसको ये दो बार काउंट हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। जो ये 6th नंबर है ना, ये 6th नंबर, ये दो बार काउंट हो रहा है। ये पहली 6 में भी आ रहा है, आखिरी 6 में भी आ रहा है, दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी एवरेज कितनी है अभी? 36 है। कितनी है? 36, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इन 6 नंबरों की औसत 26 है और ओवरऑल औसत से कितनी कम है? तो आप वो भी ओवरऑल कितनी? 32 है और ये 26 है, तो कितनी कम है? 6 कम है। अगर मैं सम निकालना चाहूँ तो सम कितना आएगा अभी? 6 कम है कितने आंकड़ों पर? 6 आंकड़ों पर। तो सम कितना होगा अभी? 6 6 36, मुझे 36 कम हो गया। कितना कम हो गया? 36 कम। अगर मैं यहाँ पर सम निकालना चाहूँ तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? तो आपको कि 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितनों आंकड़ों पे? 6 आंकड़ों पे। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया? 6 6 24, मतलब ओवरऑल ये 26 कम, ये 24 ज़्यादा, तो ओवरऑल कितना कम या कितना ज़्यादा? तो आपको अभी भी 12 कम है, औसत से अभी भी 12 कम है। तो ये 12 कम जो है वो किस कारण है? तो वो 6वीं संख्या का ही कारण है, ठीक है ना। तो ओवरऑल एवरेज कितनी है? 32। तो मतलब कि 12 कम, कमी करनी पड़ेगी 12 की, तो 32 की 12 की कमी करोगे
तो दो में से दो गया जीरो, तीन में से एक गया दो, तो मतलब कि छवीं संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई, 20 आएगी। ठीक है भाई, एक तो तरीका ये है जो एग्ज़ाम की अप्रोच है कि ये 36 है, एवरेज से कितना कम है, 6 कम है, कितने आंकड़ों पे, 6 आंकड़ों पे, तो कितना ओवरऑल कम हो गया, 36 कम हो गया। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ 36 32 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितने पे, 6 पे, तो 6 चौके 24, 24 ज़्यादा, तो 36 कम 24 ज़्यादा, मतलब माइनस प्लस माइनस। आपको पता है कि एवरेज का काम क्या होता है, जीरो करना, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, एवरेज के अंदर। तो यहाँ 36 कम, यहाँ 24 ज़्यादा, तो ओवरऑल अभी भी कितना कम या कितना ज़्यादा, तो आपको अभी भी 12 की कमी करनी पड़ेगी, तो एवरेज 32 है, 32 में 12 की कमी करेंगे तो कितनी आ जाएगी भी, 20 आ जाएगी, तो 6वें आंकड़ा आ गया 20। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो दी बेस्ट है। एक और तरीका है, उसको भी देखो आप, ठीक है ना, उस तरीके से कैसे करोगे, जैसे मैं इसी को यहीं करता हूँ, इसको रब करके, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है भाई, इसी को एक और तरीके से करके देखते हैं। वो दूसरा तरीका क्या होता है भी, आपको पता होता है क्या, कि अगर हमें सम निकालना है, सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो किससे भी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 11, तो 11 संख्याएँ हैं, उनकी एवरेज कितनी है, 32, तो इनको जोड़ोगे तो 32 11 आंकड़ों का जोड़ निकल के आ जाएगा। हो रही है बात क्लियर भाई, 11 संख्या है और एक संख्या में 32 उनका औसत है, तो गुणा करोगे तो उन सारी 11 संख्याओं का जोड़ निकल के आ जाएगा। तो 11 से गुणा करने की ट्रिक भी होती है कि आखिरी डिजिट को लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 5, और इसको सेम लिख दो, 352। ठीक है, तो ये होगी 11 से मल्टीप्लाई। उसके बाद कह रहा है कि पहली 6 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है भाई, 26 है, तो 6 गुणा 26, तो गुणा करोगे 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15 156। तो मतलब पहले 6 संख्याओं का जोड़ आ रहा है 156, आखिरी 6 संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है भाई, औसत कितनी है, 36, तो आखिरी 6 संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, तो 216। मतलब कि पहली, देखो आपको पता है कि भाई देखो पहले ये 6 संख्याएं हैं, ठीक है ना, और ये आखिरी 6 संख्याएं हैं, तो 6 6 कितनी होगी, 12, ठीक है भाई, कितनी होगी, 12। तो मतलब आप ऐसे समझो, ऐसे समझो भाई, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याओं की औसत कितनी है, 32, तो पहले 6 1 2 3 4 5, पहले 6 की औसत कितनी है, 100, जोड़ आया कितना, 156, ठीक है, और आखिरी 6 का जोड़ कितना है, कितना है अभी, 216, ठीक है, और इनका जोड़ आना कितना चाहिए, टोटल जोड़ आना कितना चाहिए अभी, टोटल जोड़ आना चाहिए कितना, 352। तो जो आप इनको प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, तो 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3, 372 आ रहा है, और आना कितना चाहिए था, 352। तो मतलब कि अभी जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो पता है किस चीज़ का आ रहा है, वो उस 6वीं संख्या का ही आ रहा है, क्योंकि वो पहली 6 में भी काउंट होगी और आखिरी 6 में काउंट होगी, मतलब 6वीं संख्या दो बार काउंट होगी। तो इस 372 में से हम क्या कर देंगे, 352 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस करोगे, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 3 गया 0, मतलब जो 20 एक्स्ट्रा आ रहा है, जो 20 एक्स्ट्रा वो क्या है, वो 6वीं संख्या है, ठीक है, जो पहली 6 में भी काउंट होगी और आखिरी 6 में भी काउंट होगी, तो वो एक्स्ट्रा आ रही है, और 6 संख्याओं को जोड़ है कितना, 352, हो रहा ना क्लियर। तो मतलब जो 20 एक्स्ट्रा आ रहा है वो 6वीं संख्या के कारण ही आ रहा है, क्योंकि दो बार जुड़ रही है, पहले 6 में और आखिरी 6 में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस हमने 7 क्वेश्चंस करे हैं ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ एंड तक जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और नई नई अपडेट के साथ हमसे जुड़े रहो। थैंक्स।